तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मक्के का मसाला वाला रोटी बन के तैयार हो गया। देखिए कितना सॉफ्ट, कितना मुलायम हुआ है और बहुत अच्छा हुआ है। और इस तरह से बनाइए, देखिए कितना अच्छा लगता है खाने में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत अच्छा हुआ है रोटी, और एकदम फूला फूला हुआ है, एकदम मुलायम हुआ है। तो आप चाहे चटनी के साथ चाहे साग के साथ इसको खाइए, बहुत अच्छा लगेगा और खाने में एकदम मजा आएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, अंशिका रसोई में आपका स्वागत है। तो आज हम बताएंगे मक्के का रोटी कैसे बनता है और किस तरह से बनता है कि फटता नहीं है। जिसको कभी रोटी बनाने नहीं आता है वो भी बना लेगा। हम इस तरह से बताएंगे आपको रोटी बनाने के लिए। तो आप मेरे वीडियो में बने रहिए और नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे मैं मक्के का आटा ली हूँ। तो ये मक्के का आटा है, इस कटोरी से 1.5 कटोरी में मक्के का आटा ली हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं कढ़ाई रख दी हूँ, और इस कढ़ाई में अभी मैं 1 कटोरी पानी डाली हूँ, आधा कटोरी और डालूंगी। तो हम जितना आटा लेंगे उतना ही मैं पानी लूंगी, तभी हमारा डो एकदम अच्छे से बनेगा। तो देखिए 1 कटोरी पानी डालती हूँ पहले, आधा कटोरी और डालूंगी। तो यहाँ पे आधा कटोरी और डाल दे रही हूँ, देखिए। और इसमें हम थोड़ा सा साग डालेंगे, आप कोई सा भी साग डाल सकती हैं, चाहे तो यहाँ पे शिमला मिर्च एकदम बारीक बारीक काट के वो भी डाल सकती हैं। तो मैं मक्के का जो रोटी बनाऊंगी वो मसाले वाले बताऊंगी, जो चटपटा रोटी ही रहेगा, खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा लाल मिर्च ली हूँ, इसको एकदम बारीक बारीक काट ली हूँ, और अजवाइन है थोड़ा सा, इसको भी हम इसी में डाल देते हैं। और इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम इतना नमक डाल देते हैं और इसको हाई फ्लेम पे गर्म कर देते हैं। तो हमको एकदम ज़्यादा पकाना भी नहीं है, इसको हम गर्म करेंगे जो साइड साइड से पता चले कि हाँ ये पानी गर्म हो गया है, उस तरह से हमको गर्म करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी में एकदम अच्छे से उबाल आ गया है, ये गर्म हो गया है। तो ये जो मक्के का आटा है इसको हम इसी में डालेंगे और इसको चलाते रहेंगे। तो यहाँ पे हम मीडियम फ्लेम कर देंगे और इसको हम अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे पानी ना कम हुआ है ना ज़्यादा हुआ है, एकदम परफेक्ट पानी डाले थे। तो आप जब भी मक्के का आटा गूंथिएगा तो जिस कप से आटा लीजिएगा उसी कप से पानी लीजिएगा, दोनों बराबर रहे तभी ये परफेक्ट डो बनेगा। और जब भी आप मक्के का आटे का डो लगाइएगा तो गर्म पानी में ही लगाइएगा, तभी रोटी आपका एकदम मुलायम और एकदम सॉफ्ट बनेगा। तो इसको देखिए हम 5 मिनट के लिए इसको ढक देते हैं, उसके बाद से हम इसका अच्छा सा डो लगाएंगे और गैस को बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 5 मिनट हो गया है, अब इसको हम किसी थाली में निकाल के इसका एकदम अच्छे सा डो बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकती हैं ये डो एकदम अच्छे से तैयार हो गया। तो इसमें हम थोड़ा सा तेल लगा के इसको एक बार और अच्छे से मसल लेते हैं, उसके बाद से हम रोटी बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से हम ऐसे तेल लगा के, तो इसको हम ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे, अभी हल्का हल्का गर्म है। तो देखिए इस तरह से इसको डो लग गया है रोटी के लिए, और इसको ऐसे हम ढक लेते हैं और चलते हैं रोटी बनाने। तो रोटी कैसे बनाना है तो आप वीडियो में बने रहिए। तो देखिए ऐसे रोटी से थोड़ा सा, चपाती से थोड़ा सा ये मोटा, हम इसका चपाती बनाएंगे क्योंकि इसका थोड़ा सा मोटा रहता है तभी खाने में अच्छा लगता है। तो हम इतना बड़ा बड़ा पेड़ा इसका बना ले रहे हैं, उसके बाद से हम बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना बड़ा बड़ा हम लोई बनाई हूँ, और लोई को हम ऐसे सूखा आटा लगा के, इस तरह से सूखा आटा लगा के हाथ से ऐसे बढ़ा देंगे, उसके बाद से एकदम हल्के हाथ से इसको बड़ा करेंगे। तो इस तरह से हम इसको बेलेंगे, एकदम हल्के हाथ से बेलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं से फटा हो नहीं है और एकदम अच्छे से सॉफ्ट हुआ है, देखिए इस तरह से करके। अब इसको हम तावे पे डाल देते हैं, तावा हमारा एकदम अच्छे से गर्म हो गया है। तो देखिए अब हम तावे पे इसको रख दिए हैं, ऐसे इसको ऐसे हिला के, और इसको हम देखिए इस तरह से इसको हम पलट देंगे। तो इस तरह से हल्का सा हो गया है, अब इसको पलट देंगे और इधर से ऐसे घुमा घुमा के इसको अच्छे से पका लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तरफ से हो गया है, अब इसको ऐसे हम पलट देंगे और तावे पे हम सेक लेंगे। तो इस तरह से देखिए, देखिए कितना अच्छा से फूला हुआ है, जैसे गैस भर रहा है और बहुत अच्छा एकदम फूला फूला रोटी हो रहा है। तो इस तरह से आप ज़रूर बनाइए। देखिए आप चाहे तो इसमें घी लगा सकते हैं, मक्खन लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। ऐसे करके हम सारा बना लेते हैं, तब आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरा वाला भी रोटी हो गया है, तो दूसरे वाले रोटी को भी हम इसी तरह से फुला लेते हैं, एकदम हल्के हल्के हाथ से इसको दाबेंगे। देखिए कितने अच्छे से फूल रहा है, लग ही नहीं रहा है कि ये मक्के का रोटी है, बहुत अच्छा हुआ है। तो आप ज़रूर इस तरह से बनाइए,
और देखिए कितना अच्छा लगता है खाने में, एकदम टेस्टी लगता लगेगा खाने में। और इसको साग के साथ खाइए, चटनी के साथ खाइए, बहुत अच्छा लगेगा, आपको बार बार खाने का मन करेगा। तो ये वीडियो आपको अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और मेरे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।